नमस्ते। आज की कहानी एक जो है वो अभ्यास की महत्ता के ऊपर है। किसी भी चीज़ को अपने करना है तो उसके लिए सतत प्रयत्न करने पड़ते हैं, सतत उसका अभ्यास करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, तब जाकर के वो उस चीज़ बराबर बनती है। आप भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तो कितना अभ्यास करना पड़ता है, स्टडीज़ करने पड़ते हैं, उसके पीछे लगना पड़ता है, तब जाकर के अच्छे मार्क्स मिलते हैं हमें परीक्षा में, बराबर है। तो ऐसी एक कहानी है, एक इंग्लैंड में पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में रॉबर्ट ब्रूस नाम का इंग्लैंड का राजा था। उसके ऊपर दूसरे देश के किसी राजा ने आक्रमण किया और बहुत सारी कोशिशों के बावजूद वो रॉबर्ट जो है वो हार गया और अपना राज्य गंवा बैठा। तो वहाँ से वो भागा और भाग करके जंगल की ओर गया जहाँ पर एक बड़ा सा पर्वत था, उसके अंदर एक गुफा थी। तो छुपने के लिए वो गुफा में जाकर बैठा, तो वो अंदर जाकर के बैठा। थोड़ी देर तो ऐसे ही वो सोच रहा था कि अब कैसे करे, क्या करे, और निराश हो गया था, थक गया था कि अब तो मैं हार गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इतने में उसने देखा कि गुफा की जो ये थी, जगह थी जहाँ से अंदर हम जाते हैं, वो वैसे काफ़ी बड़ा था। तो एक मकड़ी जो है वो उसके ऊपर इस पत्थर से लेकर वो सामने वाले पत्थर तक एक जाला बुनने की कोशिश कर रही थी। तो अंतर बहुत था इसलिए उसका जाल जो था वो बराबर से हो नहीं रहा था, बीच में ही वो टूट जाता था। उसने देखा कि ये अब क्या करेगी, कैसे करेगी। तो गिना उसने, तब उसको पता चला कि 13 बार उसने कोशिश की, वो असफल रही, लेकिन 14वीं बार वो पूरा जाला पूरा तैयार करने में सफल हो गई। उससे उसको प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला कि अरे ये इतनी छोटी सी मकड़ी अपना जाला बुनने के लिए कितनी बार कोशिश करती है और बिना निराश हुए, बिना थके करती रहती है काम, सतत काम करती है, तो फिर मैं क्यों निराश हूँ। ऐसा सोच करके वहाँ से वो निकला, फिर से बाहर आया, फिर से अपने सैनिकों को जमा किया और फिर से युद्ध में गया और इस बार वो जीत गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें निराश नहीं होना है, हमारा जो प्रयत्न है वो कभी छोड़ना नहीं है। सतत अभ्यास करने से किसी भी चीज़ का आपको सफलता जरूर से मिलती है। तो इसलिए आप कभी भी निराश हो तब ये सोचना कि अरे एक मकड़ी इतनी सारी असफलताओं के बाद जाला बुनने में सफल होती है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं भी हो सकता हूँ। बराबर है ना बच्चों? ठीक, तो फिर धन्यवाद।